अल्लाह ताला ने शहर को बड़ा हक बताया है और बहुत बुजुर्गी दी है। शहर का राजी और खुश रखना बड़ी इबादत है और इसका नाखुश और नाराज करना बहुत गुनाह है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ती रहे और रमजान के महीने के रोजे रखे और अपनी आबरू को बचाए रहे यानी पाक दामन रहे और अपने शौहर की ताबेदारी और फरमाबरदारी करती रहे तो उसमें इख्तियार है जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जावे। मतलब ये है कि जन्नत के आठ दरवाजों में से जिस दरवाजे से उसका जी चाहे जन्नत में बेखटके चली जाए। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसकी मौत ऐसी हालत पर आए कि उसका शौहर उससे राजी है तो वह जन्नती है। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मैं खुदा के सिवा किसी और को सजदा करने के लिए कहता औरत को कबर हुक्म देता कि अपने मियाँ को सजदा क्या करे। अगर मर्द अपनी औरत को हुक्म दे कि इस पहाड़ के पत्थर उठाकर उस पहाड़ तक ले जावे और उस पहाड़ के पत्थर उठाकर तीसरे पहाड़ तक ले जावे तो उसको यही करना चाहिए। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपने काम के लिए बुलावे तो जरूर उसके पास आवे, अगर चूल्हे पर बैठी हो तब भी चली आवे। मतलब ये है कि चाहे जितने जरूरी काम पर बैठी हो सब छोड़ छाड़ कर चली आवे। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब किसी मर्द ने अपने पास अपनी औरत को लेटने के लिए बुलाया और वह ना आई फिर वह उसी तरह गुस्सा में लेट रहा तो सुबह तक सारे फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया में जब कोई औरत अपने मियाँ को सताती है बेहतरीन नाम सामने को सुनाया।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله بچوں نے جو سورۃ پڑھی ہے اور جو سورہ یاسین پڑھی ہے اس کا ثواب سب سے پہلے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچا ہے۔ آپ اپنے فضل سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو بھیج رہے تمام صحابہ، تمام صحابیات، تمام علماء کرام، محدث کرام، خلفاء راشدین، ائمہ اربع، جتنے اس دنیا میں چلے گئے سب کی روح مبارک کو پہنچا، ان کی روحوں کو راحت اور آرام سکون پہنچا۔ یا اللہ جتنے بھی ایمان والے عورت مرد اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ جو زندہ ہے ان کے بھی حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روحوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے سارے بچوں اور بچیوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو پڑھ رہی ہے پڑھ رہے ہیں اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ماں باپ کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔
बड़ों के अदब करने की तौफीक अता फरमा, छोटों पर शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम बच्चों को उस्तादों की कदर करने की तौफीक अता फरमा, लोगों की भी कदर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस मकतब को मदरसा को शैतान की शुरिया से, फितीन की फितना से, हासिदों की हसद से, मक्कार की मक्कारी से, बदगुमान लोगों की बदगुमानी से हिफाजत फरमा। या अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी अल्लाह तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हम सबों को मरते वक्त कलमा नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबों की मगफिरत फरमा। या अल्लाह जो लोग जिस लाइन से मदद कर रहे हैं अल्लाह उसकी मदद को फरमा। या अल्लाह जो लोग एहसान किए अल्लाह उसके एहसान पर उस पर एहसान फरमा। या अल्लाह हम सबों के दादा दादी नाना नानी करीबी दूरी रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा। या अल्लाह हम सबों को पांचों वक्त की नमाज एहतमाम के साथ, इखलास के साथ, खुशू और खुदू के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। एक दूसरे की हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा की मगफिरत फरमा। या अल्लाह जितने लोग दुनिया में ईमान वाले मौजूद हैं अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह मर्दों को मस्जिद वाले आमाल से जुड़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह औरतों को घरों में पाबंदी के साथ नमाज तिलावत जिक्र वगैरह करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबों की बेउसूली बेअदबी को तू माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबों की गुस्ताखी को अल्लाह हम सबों के गुनाह को माफ़ फरमा। या अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ऐसे अमल की तौफीक अता फरमा जिससे आप खुश होते। या अल्लाह ऐसे अमल से हम सबों की हिफाजत फरमा जिससे आप नाराज होते। या अल्लाह इस मुख्तसर सी दुआ को कबूल फरमा, मेरे पाक सल्लम के वसीले से कबूल फरमा। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.